हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी होम्योपैथिक नजल स्प्रे के बारे में जो नाक की सभी तरह की प्रॉब्लम को एक साथ ठीक करती है, कंप्लीटली क्योर करती है। तो आइए आज की बात शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सके। दोस्तों आज हम आपसे बात कर रहे हैं नोसोलाइन, एक होम्योपैथिक नजल स्प्रे है जो नाक में स्प्रे किया जाता है और नाक की सभी तरह की परेशानियों को उससे दूर हो जाती है। दोस्तों नाक में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। नाक में नजल पॉलिप होना, साइनस होना, नाक से पानी आना, छींक आना, नाक में पानी आने के साथ साथ नाक में जलन होना, नाक के अंदर खुजली होना, नाक के अंदर मांस का बढ़ जाना, नाक से बदबू या खुशबू वगैरह गंध का एहसास नहीं होना, ये कई तरह के प्रॉब्लम्स नाक के साथ होते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सिस्टम में कभी कभी इन्फेक्शन आ जाता है, हवा की नालियों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है और सर में दर्द होने लगता है, आंखों में भी दर्द होने लगता है, कान भी इफेक्टेड हो जाते हैं इस इन्फेक्शन से। तो दोस्तों इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही हल, इन सारी परेशानियों का एक ही दवा से आप इसे क्योर कर सकते हैं, वो है नोसोलाइन स्प्रे। हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों। नोसोलाइन स्प्रे एक बहुत ही मशहूर कंपनी है इंडिया की, वीजल कंपनी ही इस दवा को बनाती है, और इस दवा की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होम्योपैथी की बहुत ही पावरफुल दवाएं जो नाक के इन्फेक्शन में, कोराइजा में, राइनाइटिस में, नाक की सभी तरह के प्रॉब्लम्स में जो दवाएं काम आती हैं वो बहुत ही इफेक्टेड और पावरफुल दवाओं का एक बेहतरीन मुरक्कब इस कंपनी ने तैयार किया है, और वो भी स्प्रे के शक्ल में, बहुत ही इफेक्टेड और बहुत ही कारगर। दोस्तों हम आपसे बात करते हैं इस दवा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या है और वो किस तरह से काम करती है। दोस्तों इसकी सबसे पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम लगातार छींके आए, पानी जैसा पतला और गाढ़ा, दोनों तरह के स्राव, जलन के साथ होते हो, एलर्जी का प्रॉब्लम हो और हवा की नालियों के इन्फेक्शन में ये दवा बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टेड है। दोस्तों अगली दवा है आर्सेनिक आयोडाइड, जो इस स्प्रे में शामिल किया गया है। दोस्तों नाक से पानी की तरह पतला, जलन के साथ स्राव हो, नाक में जलन होने लगे और पानी की तरह का स्राव हो और लगातार छींके आए, ऐसी सूरत में आर्सेनिक आयोडाइड बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टेड होता है, और ये दवा भी इसमें शामिल की गई है। अगली दवा है कल्केरिया लैक्टिका। कल्केरिया लैक्टिका भी नाक के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इफेक्टेड है। इसमें लगातार छींके आती हो और नाक में खुजली होती हो, नाक में झुनझुनी होती हो, नाक के मेम्ब्रेन में सूजन हो गया हो, तो ऐसी सूरत में यह दवा बहुत ही कारगर है। इसे भी शामिल किया गया है इस नजल स्प्रे में। दवा है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस कोराइजा, पानी से भरी नाक और नाक से टपकता हुआ पानी, इसके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव है हाइड्रेस्टिस। इस दवा को भी शामिल किया गया है इस नजल स्प्रे में। दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं अगली दवा है काली बाइक्रोमिकम। काली बाइक्रोमिकम एक ऐसी दवा है जो नाक के लॉस ऑफ स्मेल, नाक के गंध का पता जो चलने का जो सबसे बड़ी खूबी है, जो नाक का सबसे बड़ा काम है वो गंध का पता चलना, वो पता हमें नहीं चल पाता, और लॉस ऑफ स्मेल कहते हैं। अगर हमें लॉस ऑफ स्मेल हो जाए तो फिर काली बाइक्रोमिकम बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टेड है, इसलिए इस दवा को इसमें शामिल किया गया है।
खाली बैकग्राउंड में कम लॉस ऑफ स्मेल, गंध का ह्रास, गंध का पता न चलना, नाक से सांस लेने में परेशानी होना और कोराइजा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगली दवा है पल्साटीला, जो इसमें इस स्प्रे में शामिल किया गया है। पल्साटीला बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव होता है जब मौसम का बदलाव होता है और ठंड की परेशानी होती है। मौसम के हर तरह के बदलाव और ठंड के प्रॉब्लम में, नाक के सभी तरह के प्रॉब्लम में ये बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव होते हैं पल्साटीला। जब नाक से गाढ़ा स्राव होता हो और नाक बंद बंद सा लगता हो तो ऐसी सूरत में ये दवा बहुत ही कारगर है, जो इसको भी शामिल किया गया है इस नोजोलाइन स्प्रे में। दोस्तों अगली दवा है सेंगुनेरिया। सेंगुनेरिया का लक्षण है कि सफेद पानी का रिसाव हो, रिसाव के साथ जलन होता हो और लगातार छींके आती हो, छींक आने से आराम मिलता हो, नाक के जड़ के हिस्से में दर्द रहता हो और यह दर्द आंख तक पहुंचती हो और कान तक भी चला जाता हो, ये आंख के डैने तक ये दर्द जा सकती है। तो इस तरह के नाक के जड़ के दर्द जो आंख के डैने, कान के हिस्से तक और ये पहुंचता हो दाहिने तरफ के चेहरे में, ये परेशानी बढ़ जाती हो, तो ऐसी सूरत में सेंगुनेरिया बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों इस दवा को भी इस नोजोलाइन स्प्रे में शामिल किया गया है और इस तरह से बहुत ही इफेक्टिव दवाओं का सिलेक्शन फीजल कंपनी ने किया है और इन सभी दवाओं को शामिल करके बहुत ही इफेक्टिव नोजोलाइन स्प्रे तैयार किया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं इस पैकिंग के अंदर दवा किस तरह से है और फिर उसको निकाल के देखने के बाद हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो आइए इसे खोलते हैं। इसके अंदर में एक ये इस तरह से एक कागज है जो इस स्प्रे के बारे में डिटेल इसमें लिखा हुआ है, इसका लगाने का तरीका वगैरह सारा कुछ। और अब देखते हैं इसकी शीशी, ये इस तरह से इसकी शीशी निकलती है। इसमें एक कैप लगा हुआ है, ये जो ये ढक्कन खुल जाती है, इस्तेमाल करने से पहले इसे खोल लेना है, एक बार हिला लेना है, उसके बाद इस तरह से पकड़ करके नाक के अंदर इसको डालना है। नाक के अंदर डालने के बाद इसको जोर से एक बार दबाना है और ये दवा अंदर आपके नाक में फैल जाती है। लगाने का तरीका यह है कि दिन में 4 बार इसका इस्तेमाल करना है, हर 4 घंटे पर। अगर सुबह के 8 बजे एक बार स्प्रे करते हैं दोनों नाक के दोनों सुराखों में एक बार इसमें स्प्रे करना है और एक बार इसमें। स्प्रे करने के बाद 30 सेकंड तक रुके रहना है और 30 सेकंड के बाद एक बार जोर से सांस अपने अंदर खींच लेना है। इससे क्या होता है कि ये जो दवाएं यहां पे स्प्रे हुई हैं वो आपके नाक के अंदर साइनस वगैरह के जो हमारे साइनस हैं जो और झिल्लियां हैं जो नाक की जो हवा की नालियां हैं वो सब में वो दवाएं चली जाती हैं और फिर वहां पे अपना असर करती हैं। तो दिन में 4 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप 4 बार करते हैं तो इस तरह से करें कि एक बार सुबह के 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम के 4 बजे और फिर रात के 8 बजे। इस तरह से दिन में 4 बार इस्तेमाल करने, बड़े लोगों के लिए दिन में 4 बार और छोटे बच्चों के लिए दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को। बच्चों के लिए 1 बार स्प्रे करना है और बड़े लोगों के लिए अगर पुराना प्रॉब्लम है तो 2 बार स्प्रे करें लगातार, 1-2, फिर इस तरह से 1-2, 30 सेकंड तक रुके रहें और उसके बाद दवा को अपने अंदर खींच लें। ये लगाने का तरीका है। और एक चीज याद रखें कि ये दवा एक व्यक्ति के लिए एक ही स्प्रे होता है, एक स्प्रे को कई लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नाक के अंदर लगाना है। अब एक आदमी अपने नाक में घुसाता हो फिर दूसरा आदमी अपने नाक में घुसा के लगाता हो, इससे क्या होता है कि नाक का जो इन्फेक्शन है वो एक दूसरे के अंदर जाता रहता है और प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। इसलिए ये याद रखें कि एक स्प्रे एक ही व्यक्ति इस्तेमाल करे। इस स्प्रे से जो इंडिकेशन इसमें लिखा हुआ है वो है एलर्जिक राइनाइटिस एंड साइनसाइटिस, इचिंग ऑफ नोज,
बर्निंग, रनी नोज एंड स्नीजिंग, नजल डिस्चार्ज, वाटरी, थिक, ब्लेंड एंड एरेड, ब्लॉकेज ऑफ नोज, लॉस ऑफ स्मेल, इन्फ्लामेशन ऑफ नजल म्यूकोसा, नजल पॉलिप, ओडिमा एंड नजल म्यूकोस मेम्ब्रेन। इन सभी तरह के प्रॉब्लम में यह दवा बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी की तरह का आइकन दिखेगा, उसे भी टैप कर लें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।